हेलो दोस्तों, इजी एडवाइज़र में आपका स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में माइक्रोवेव ओवन जो एलजी का है उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं, और इसका मॉडल नंबर है MS2043DB या फिर BP MS2043BP। तो चलिए सबसे पहले इसमें देखते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शंस है, कौन से स्विचेस इसमें हैं। ये देखिए, इंडियन रसोई, 24 आवर्स, पावर, हेल्थ प्लस, यूटिलिटी, ये प्लस, ये माइनस, 10 मिनट, 1 मिनट, 10 सेकेंड, स्टॉप, स्टार्ट, एनर्जी सेविंग। और ये वाला जो बटन है जो विजिबल नहीं होगा शायद आपको, तो इसको प्रेस करने से इसका डोर ओपन होता है। ये देखिए, इसका डोर ओपन हो चुका है ये वाला बटन प्रेस करने से। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं हम आपको वो बताते हैं। अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट है जो आपको इसमें बनाना है, आपका जो भी डिश है, जो भी आपको, या फिर कोई भी चीज़ आपको गर्म करना है, मिल्क हो, आपका टी हो, या जो भी हो, तो वो करने के लिए आपको इसको सबसे पहले बंद करना होगा। बंद करने के बाद ये बाय डिफ़ॉल्ट एक सेटिंग पर सेट होता है 30 सेकेंड की। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 30 सेकेंड। अगर आप डायरेक्ट इसको स्टार्ट करेंगे तो ये देखिए 30 सेकेंड के लिए स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको इसको ऑफ़ करना है या फिर इसको पाउज करना है, तो वन टाइम आप इसको प्रेस करेंगे तो ये पाउज हो चुका है। ये देखिए, ये वाला टाइम एज इट इज़ है। आपका जो भी प्रोडक्ट है उसको आप ओपन करके जो भी आपको करना है, फोल्ड करना है, रिमूव करना है, पलटाना है, या जो भी, या चेक करना है, तो स्टॉप पे एक बार क्लिक करने से आप वैसा कर सकते हो। और फिर से उसको स्टार्ट करना है तो ये उसको रीस्टार्ट कर सकते हैं, टाइम चेंज नहीं होगा। लेकिन यही इसी प्रोसेस को आपको अगर बीच में रोकना है तो आपको डबल स्टॉप के ऊपर 2 टाइम प्रेस करना होगा, 1 2। ये देखिए, ये 0 हो गया, मतलब आपने जो भी प्रोसेस में दिए थे वो प्रोसेस इसका कंप्लीट हो चुका है। एक और बात दोस्तों, बहुत सारे लोग आजकल डाइटिंग पर रहते हैं, डाइट करते हैं और ऑयली चीज़ें खाने के लिए बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं, तो ये उन लोगों के लिए भी बहुत ही सही है, क्योंकि कुछ ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें विदाउट ऑयल बेक होती है, बिना ऑयल के बनती है। तो चलिए हम आपको एक बहुत ही दिलचस्प आइटम जिसको हर कोई पसंद करता है वो बना के बताते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये हमारे पास पानी पूरी है, रेडीमेड पानी पूरी। तो ये रेडीमेड पानी पूरी को हम इसमें अंदर डाल के आपको कि किस तरह से बनेगी, किस तरह से फूलेगी वो बताने वाले हैं। तो सबसे पहले ये इसका प्लेट है। प्लेट दोस्तों एक जो हेवी ग्लास का बना हुआ है वही प्लेट ले, दूसरा कोई भी प्लास्टिक का उसका प्लेट यूज़ ना करें, ये मेरी आपको ओपिनियन है, क्योंकि वो जलकर पिघल सकती है। ठीक है, तो ये पानी पूरी हमने इसमें डाल दिए। ये देखिए, ये सारी पानी पूरी हमने इसमें रख दिया। आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं, आपका कोई बाउल वगैरह है तो आप उसमें भी रख सकते हैं। ये रखने के बाद आपको क्या करना है, इसका जो डोर है इसको बंद करना है। चलिए, डोर हमारा बंद हो चुका है। अब देखिए, अंदर आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा। 30 सेकेंड के लिए हम इसको ट्राई करते हैं पहले, 30 सेकेंड में ये कितना होता है। तो ये देखिए, हमने 30 सेकेंड के लिए इसको लगाया है, अंदर का प्लेट रोल हो रहा है, घूम रहा है, और देखिए पानी पूरी भी उसमें घूम रही है। ये देखिए पानी पूरी कैसी फूल रही है, ये देखिए। आई थिंक 30 सेकेंड से भी कम में हमको पानी पूरी को कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि पानी पूरी अच्छी तरीके से बन चुकी है उसमें। ये देखिए कितनी सारी पानी पूरी फूल चुकी है, 5 4 3 2 1। ये कंप्लीट होने के बाद ये देखिए एंड आ गया और ये बीप भी दे रहा है। इसका मतलब क्या है, हमको अब डोर ओपन करना है। हमने डोर ओपन किए, ये देखिए दोस्तों पानी पूरी कैसी बनी है, हमने कैसे डाले थे और ये किस तरह से बनकर निकली है। हमने जो पानी पूरी डाले थे वो भी आपके लिए सैंपल, ये देखिए ये वाली पानी पूरी हमने इसमें डाले थे और ये कैसी बनी हुई है। बहुत ही कम टाइम में बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त पानी पूरी यहाँ पर बनकर आई है। अब इसके बाद एक और एक चीज़ हम लोग बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, मैं वो भी आपको इसमें बना के बताता हूँ। यूजुअली हम लोग जो पापड़ होता है उसको हम फ्राई करके खाते हैं पापड़ को, तो बहुत सारे लोग वो ऑयली होने की वजह से उसको अवॉइड भी करते। तो चलिए, बिना ऑयल के इसमें पापड़ किस तरह से बनता है वो भी देख लेंगे। ये देखिए, ये पापड़ को हमने इसमें रख दिया। इसको आपको पलटाने की भी ज़रूरत नहीं, जस्ट एक बार आप इसमें रख दीजिए, ये पापड़ बहुत ही सही तरीके से इसमें भुना जाएगा। ये इसको बंद कर दीजिए और ये स्टार्ट। अब देखते हैं पापड़, ये देखिए इसमें रोल हो रहा है, ये देखिए पापड़ भुने जा रहा। ये बहुत ही कम टाइम में हो जाएगा, आई थिंक 10 सेकेंड इज़ इनफ फॉर दिस।
ऑलमोस्ट हो चुका है, एक बार स्टॉप करके देख लेते 15 सेकंड पे। ये देखिए 15 सेकंड में आधा हुआ है और कुछ इसका हिस्सा बाकी है, तो एक बार और इसको रख देते हैं। ये देखिए इसको हमने रखा है और इसको स्टार्ट करना है, 5 सेकंड और हम इसको चलाएंगे। ये देखिए कितना कम टाइम में कितना फास्ट प्रोसेस हो रहा है दोस्तों। देखिए ये देखिए पापड़ आपका कंप्लीट बन चुका है, सिर्फ 20 सेकंड में ये पापड़ कंप्लीट हुआ है। ऐसे बहुत सारे इसमें अलग अलग ऑप्शन है दोस्तों, जो आपके बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करके आप इसमें बहुत सारी ऐसी डिशेस है जो बना सकते हैं। तो क्या क्या ऐसी डिशेस है हम आपको बताते हैं इस ओवन की। ये देखिए इसमें इंडियन रसोई, 24 आवर्स, हेल्थ प्लस और यूटिलिटी कॉर्नर, ये इसमें 1, 2, 3, 4 ये ऐसे चार अलग अलग ऑप्शंस है इसमें, और हर एक ऑप्शन में अलग अलग ऐसे डिशेस के नाम हैं जो डिश आप ऑटोमेटिक इसमें बना सकते हैं। तो सबसे पहला है देखिए इंडियन रसोई, तो इंडियन रसोई में उसके बाद इंडियन रसोई पे के नीचे आप देखिए यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस है। सबसे पहला है इंडियन रसोई में देखिए IC1, IC2, तो ये IC1 क्या है, इडली, उसके बाद आलू सब्ज़ी, उसके बाद वेज बिरयानी, ऐसे बहुत सारे अलग अलग इसमें ऑप्शंस हैं। तो इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं, कैसे ये काम करता है हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले हमको ये डोर बंद करना है, ये देखिए हमने डोर बंद कर दिए, अब ये पूरा हमारा फिर से स्टार्ट हो रहा है। अब इसमें अलग अलग ऑप्शंस है, जैसे सबसे पहले हम देख लेते हैं इंडियन रसोई के बारे में, तो मैं इसको इंडियन रसोई पर क्लिक करूँगा, तो ये देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन आया IC-1, अब ये कौन से वाला है और एक बार देख लीजिए, ये देखिए IC-1, तो ये किसके लिए काम करेगा, ये क्या बनाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है ये इडली बनाएगा। तो चलिए और इसमें क्या क्या ऑप्शंस है वो देख लेते हैं, इसको चेंज कैसे करना है। तो पहले वाला जो ऑप्शन है इंडियन रसोई, उसको कैसे यूज़ करते हैं या बाकी सारे ऑप्शंस को कैसे यूज़ करते हैं हम वो देख लेंगे। पहले वाले ऑप्शन में है इंडियन रसोई, उसका नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखिए IC1 में क्या है, इडली। तो चलिए हम इसमें देखते हैं उसको कैसे करना है। तो इसमें ये जितने भी ऊपर के ऑप्शन है चारों भी वो यहाँ पर दिए हुए हैं, इंडियन रसोई, 24 आवर्स, पावर, हेल्थ प्लस, यूटिलिटी कॉर्नर। तो सबसे पहले इंडियन रसोई वाला देख लेंगे हम, इस पर मैंने क्लिक किया, ये देखिए IC1 आ गया। अगर आपको चेंज करना है ये देखिए IC2 आ जाएगा, IC3, IC4, ये जितने भी इसमें IC वाले जो है वो सारे इसमें आ जाएंगे। तो हम IC1 का, ये प्लस वेट के लिए है, हमने अभी तीसरे वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है, और ये 0.1 बोले तो ये 100 ग्राम, इसको आप जैसे जैसे ऐड करोगे, जितना ऐड करोगे आपका क्वांटिटी के हिसाब से वो उतना ऐड होगा यहाँ पर। ये देखिए ये प्लस से ये ऐड होगा और माइनस से ये कम होगा। तो ये देखिए 0.3 मतलब 300 ग्राम का इसने लिया है, हमने जो सेलेक्ट किए है वो है वेज बिरयानी, तो 300 ग्राम की वेज बिरयानी इसमें बन सकती है। आप कोई भी, आपको कोई भी बाउल वगैरह में डालना पड़ेगा। एक बात याद रखिए, बाउल वगैरह जो भी आप लेंगे तो वो ऊपर से पैक नहीं करना, उसको सिल्वर पेपर से रैप करना और उसमें छोटे छोटे होल कर देना ताकि उसका स्टीम बाहर निकल सके। अब ये वाला सेलेक्ट होने के बाद दो ही ऑप्शन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। सबसे पहले इंडियन रसोई वाला जो ऑप्शन है उसमें आपने क्या लिए, IC3, IC3 के बाद उसका वेट कितना है, वो वेट होने के बाद आपको अगर आप स्टार्ट करोगे तो ये स्टार्ट नहीं होगा। ये देखिए डोर ओपन है हमारा, इसलिए यहाँ पर ये एरर दे रहा, तो हमको अभी डोर क्लोज करना है। ये देखिए डोर क्लोज करने के बाद यहाँ आपको स्टार्ट करना है। ये देखिए ये वाला इंडियन बिरयानी 19 मिनट का टाइम इसने लिया। अगर आपको इसको बंद करना है या पाउज करना है तो नॉर्मली आप इसको स्टॉप कीजिए और आप इसको ओपन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इसको पाउज करना है, पूरा कंप्लीट बंद करना है, तो डबल स्टॉप पर प्रेस कीजिए। तो ऐसे ही आप ये सारे ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरे वाला कौन सा है, 24 आवर्स, 24 में कौन सा है, BF1, ये देखिए 24 आवर्स में, ये देखिए BF1 में क्या है, पोहा, डेली दलिया, उपमा, ये जितने भी सारी चीज़ें हैं ये सारे डिशेस आप इसमें बना सकते हैं। तो हम लेते हैं दूसरे नंबर का पोहा, तो पोहा सेलेक्ट करने के लिए हमको
पहले वाला ये देखना है 24 आवर्स, 24 आवर्स को डबल से क्लिक कीजिए। BF2, ये देखिए BF2 वाला ऑप्शन हमने सेलेक्ट कर लिया है इसमें। अब इसके बाद ऑप्शन है वेट का, तो यहाँ से देखिए कितना आप इसमें वेट बढ़ा सकते हैं, ये भी 300 ग्राम आप कर सकते हैं। ये होने के बाद आपको फिर से डोर लॉक करना है और उसको स्टार्ट करना है। 12 मिनट में आपका पोहा इसमें रेडी होगा। इसमें बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन है। लास्ट वाला हम चेक कर लेते हैं, यूटिलिटी कॉर्नर। इसमें क्या क्या है ये देखिए, केप वार्म, स्टीम क्लीन, डी फ्रोस्ट वेज, डी फ्रोस्ट नॉन वेज। डी फ्रोस्ट वेज, डी फ्रोस्ट नॉन वेज क्या है, अगर कोई भी चीज़ आपने फ्रिज में रखे हुए है और वो पूरा उसके ऊपर बर्फ़ लगा हुआ है, तो उसको डी फ्रोस्ट करने के लिए, बर्फ़ को पिघालने के लिए आपको डी फ्रोस्ट वाला ऑप्शन लेना होगा। तो उसमें है यूटिलिटी कॉर्नर में कौन सा ऑप्शन है, अगर हम डी फ्रोस्ट वेज करें तो UC3। तो चलिए देख लेते हैं हम यूटिलिटी कॉर्नर, 1, 2, 3, ये देखिए UC3। अब यहाँ पर है वेट, तो कितना वेट है ये वेट आप यहाँ से 500 ग्राम तक, मतलब आधा किलो तक आप इसमें ये कर सकते हैं। ठीक है, ये होने के बाद स्टार्ट तो नहीं होगा क्योंकि डोर ओपन है, डोर क्लोज करना है और स्टार्ट करना है। अब आप टाइमिंग को आप, इसको मैंने पॉज कर दिया, आप इसमें टाइम आपके हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं और आपके हिसाब से टाइम कम भी कर सकते हैं, या फिर कोई भी चीज़ आपको आपके एकदम हार्ड एंड फास्ट करना है, जैसे आपको पता है 10 मिनट में क्या होगा या 1 मिनट में क्या होगा या 10 सेकंड में क्या होगा, तो आपको ये 10 मिनट का अगर आप सेलेक्ट करोगे तो ये देखिए 10 मिनट हो गया। अगर आप 1 मिनट पर क्लिक, ये डायरेक्ट 11 मिनट हो गया, ये बढ़ रहा है यहाँ से मिनट। इस पर क्लिक करोगे तो ये 1 मिनट के लिए सेलेक्ट होगा, इस पर क्लिक करोगे तो ये 10 सेकंड के लिए सेलेक्ट होगा। तो ये सारे इसके मेन्यूज़ है, ये सारे इसके, इसका प्रोसेस हमने आपको बताया इसको किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।